Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayushi Joshi, and you are watching me on the channel of AchieveIS. So here it is 1st June, Monday, and we are going to start our today's analysis, the Hindu news analysis. And in today's news analysis, we will cover the most important news as well as editorial analysis. Okay, so let's start today's news analysis. The first article is, stay more vigilant than ever against COVID-19 threat. Said Modi. It is said by our Prime Minister Mr. Narendra Modi. उनका ये कहना है कि हमें और भी जागरूक रहने की ज़रूरत है COVID-19 के चलते, ठीक है, COVID-19 के अगेंस्ट, उसके डर के अगेंस्ट जो है हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है. माइग्रेंट वर्कर्स फेस द वर्स्ट ऑफ द पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ही सेड. उनका ये कहना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में COVID-19 का जो समय रहा है हमारा, इस पेंडेमिक का जो दुख का समय रहा है, उसमें सबसे अधिक दुख जिसने फेस किया है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल जो है देश को संबोधित करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो है जारी करने की बात कही थी, और उसी के साथ में हमें जागरूक रहने की बात कही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अनलॉक का फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है. दैट्स वाई वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू बी विजिलेंट, एज वेल एज वी नीड टू just keep in our minds that we have to be aware and we will away from COVID-19. Okay, and the Prime Minister Narendra Modi asked Indians to stay more vigilant than ever against the threat of COVID-19. ये कहना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कि अब भारतीय लोगों की ज़रूरत है कि वो अब तक जितना डरे हैं COVID-19 से, उससे कहीं ज़्यादा जागरूक होकर जीने की आवश्यकता है. अ डे आफ्टर द सेंटर नोटिफाइड अ फेस्ड ओपनिंग अप द इकोनॉमी टर्म्ड अनलॉक वन को ओपन करते हुए, इकोनॉमीज को ओपन करने की जो बात कही गई जस्ट उसके एक ही दिन बाद में, उस अनाउंसमेंट के एक ही दिन बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया मन की बात ब्रॉडकास्ट के थ्रू संडे को. और उसके तहत उन्होंने ये बात कही है कि हमें केयरलेस नहीं होना है, हमें कोरोना के चलते, कोरोना के अगेंस्ट अवेयर होना है और भी ज़्यादा जागरूक होकर जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो स्पेंड करना है. बिकॉज हम लोग एक लॉकडाउन के फेज से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात को ध्यान में लेकर चलना है कि अभी तक हमारे पास में COVID-19 से रिलेटेड कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं है, इस मर्ज की कोई दवा नहीं है. दैट्स वाई अगर कल को हम लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं तो वी विल डेफिनेटली हार्मिंग आर सेल्फ, हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि कोई वैक्सीन हमें इससे बचा नहीं पाएगी. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा. ठीक है, अब व्हाट द एक्सपर्ट्स से, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं. अ लुक एट सम ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स एंड अकेडमिक्स टू द गवर्नमेंट टू टैकल द COVID-19 पेंडेमिक. COVID-19 पेंडेमिक से को टैकल करने के लिए रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अकेडमिक्स जो है वो क्या रिकमेंड करते हैं, उनकी तरफ एक नज़र डालते हैं. द फर्स्ट थिंग इज अ पैनल ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड सोशल साइंटिस्ट एज सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एड्रेस द हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे गतिविधियाँ होना ज़रूरी है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ये बताता है कि इंक्लूडिंग टेस्ट रिजल्ट शुड बी मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. जो टेस्ट हो रहे हैं और जितने भी टेस्ट अब तक हो रहे हैं COVID-19 से रिलेटेड, और जो भी कैरी ऑन हो रहे हैं ऑलरेडी कंटिन्यूटी में हैं, वो सारे डेटा जो हैं, वो सारा जो जो भी किया जा रहा है, उन सभी एक्टिविटीज़ को पब्लिकली जो है अवेलेबल करवाना चाहिए पब्लिक डोमेन के बेसिस पे. द नेशन वाइड लॉकडाउन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद क्लस्टर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस. ये जो नेशन वाइज लॉकडाउन जो हुआ है उसे रिप्लेस करना होगा क्लस्टर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे. ओके, रूटीन हेल्थ सर्विसेज वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे स्टार्ट करनी होगी. ठीक है, और बिल्कुल हेल्थ वर्कर्स जो है उनके प्रोटेक्शन के साथ में, उनके साथ में
उनके लिए जो है एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होगा। रैपिड स्केलिंग अप हेल्थ सॉरी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड रिसर्च शुड बी डन विद अलोकेटिंग ऑफ 5% ऑफ GDP टू हेल्थ एक्सपेंडिचर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। एंड द एक्सटेंसिव सर्वेलियंस शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई सारी एंड ILI patients through clinical institutions to identify hotspots, and along with that states lagging behind on test must catch up. okay, तो ये सारे important measures हैं, important जो जो चीज़ें हैं जो experts का कहना है कि हमें follow करनी चाहिए। ठीक है, indefinite lockdown is more harmful। मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए एक सर्टेन जो टाइम आता है, एक सर्टेन टाइम जो हमने ऑलरेडी लॉकडाउन के अंदर स्पेंड किया है, बट उसके चलते कई सारे इकोनॉमिक जो लॉसेस को देखते हुए और कंटिन्यू बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये ध्यान में लिया गया कि भाई कंटिन्यू लॉकडाउन करना इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बिकॉज उससे केसेस उससे थम नहीं रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ट्रांसमिशन स्पीड जो है, या हम कह सकते हैं केसेस जिस लेवल पे इंक्रीज़ हो रहे हैं वो स्पीड कम होगी लॉकडाउन के चलते, लेकिन केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो सरकार के ने ये ज़रूरत समझी कि हमें लॉकडाउन को ओपन करना होगा, और इसी के चलते अनलॉक वन जो है वो रिलीज़ किया गया है एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ओनली। सो लेट्स सी क्या पॉजिटिविटी लेकर आता है ये, और किस तरीके से लोग इम्पॉर्टेंट मेजर्स को अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और ख़ुद की फैमिली को ध्यान में रखते हुए कैसे इस टाइम को स्पेंड करते हैं और कैसे अनलॉक वन को जो है लेते हैं, अपनी लाइफ में लेते हैं। सो लेट्स सी क्या इम्पॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो करते हुए जो है सरकार आगे बढ़ती है और कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप टेबल्ड इन नेपाल पार्लियामेंट। नेपाल की पार्लियामेंट में जो है नया मैप जो है उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की बात कही गई। देखिए रिसेंटली मैप जारी किया गया जिसके तहत नेपाल का जो हिस्सा है, नेपाल के कुछ टेरिटरीज़ हैं जो इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर शो किया गया है ना, उत्तराखंड के एरियाज़ में इंडियन मैप के अंदर शो किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ऑन संडे टेबल द क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, उसे जो है वहाँ पर नेपाल की पार्लियामेंट में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया, जिसके तहत इंडिया का कुछ ऐसी टेरिटरी है, कोई ऐसा हिस्सा है जिसे नेपाल की टेरिटरी में सम्मिलित करने की बात कही गई है। नेपाल्स मधेसी पार्टीज रिफ्यूज़ टू वेलकम द बिल एज ऑफ नाउ, लेकिन इसी के चलते नेपाल की मधेसी पार्टी जो है, पार्टीज जितनी हैं उन्होंने इस बिल को वेलकम करने से एज ऑफ नाउ जो है मना कर दिया है। सो लेट्स सी क्या जो है स्टेटस बनता है इसका। ऑलरेडी नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी लंबे समय से कुछ इशूज़ चल रहे हैं, बॉर्डर इशूज़ जो मैं ऑलरेडी डेली बेसिस पे आपको अपडेट दे रही हूँ, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है कि मैटर क्या है। सो यू शुड गो फॉर दैट। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इनटॉलरेंस अगेंस्ट जुडिशरी इज़ ग्रोइंग। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज का, जस्टिस संजय किशन कौल का, कि कंटिन्यूसली जो जुडिशरी के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, इनटॉलरेंस है, वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ये एक फैक्ट है कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन से या जुडिशरी से या तो विश्वास उठ रहा है या फिर हम विश्वास करना ही नहीं चाहते। हमने अपना एक दायरा बना लिया है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था, जब देश आज़ाद हुआ था, तो जुडिशरी को सुपीरियर लेवल पे रखा गया है, और डेफिनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है उसको जो है और टॉप मोस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पोजीशन दी गई है, क्योंकि वही हर तरह का निर्णय लेगी हमारे देश में, है ना। तो उस बेसिस पर जुडिशरी जो कि ऑलरेडी टॉप पर है, आज के दिन में, आज के जो टाइम है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर, चाहे वो आप यंगस्टर्स ले लीजिए, चाहे वो जॉब ऑफिशियल्स ले लीजिए, चाहे आप पर्टिकुलर रीज़न वाइज लोगों को ले लीजिए, चाहे आप कास्ट वाइज लोगों को ले लीजिए, हर तरह के लोगों में कोई ना कोई आक्रोश जुडिशरी के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये लोगों की ज़रूरत नहीं है कि वो अकॉर्डिंग टू जुडिशरी चीज़ों को देखे
अकॉर्डिंग टू लॉज चीज़ों को देखे, उनका नज़रिया लॉ के तौर पर होना चाहिए, बतौर एक नागरिक होना चाहिए, ना कि एक सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाला जो वॉइस रेजर, अगेंस्ट वॉइस रेजर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ये ज़रूरत है कि हम हमारे जुडिशियल सिस्टम पर, जुडिशरी पर बिलीव करें, हम ये ध्यान में रखें कि वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें जो रिक्वायर्ड कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट है या रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो हम उन्हें दें, ठीक है। सो ऐसा वैसे मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से, जस्टिस संजय कृष्ण की इस बात से सहमत हूँ कि एक्चुअली जुडिशरी जो है उसके अगेंस्ट कंटिन्यूज इनटॉलरेंस जो है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। सो डोंट मिसट्रस्ट दिस सिस्टम, ऐसा कहना है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का। द नेक्स्ट न्यूज इज पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफर्स हेल्ड फॉर स्पाइंग टू वीज़ा असिस्टेंट। देखिए जो है दो कमीशन जो है, हाई कमीशन पाकिस्तान से आए हुए, उनके जो दो वीज़ाज़ हैं, असिस्टेंट्स ऑफ द हाई कमीशन, हाई कमीशन के असिस्टेंट्स के दो वीज़ा जो हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर जब्त कर लिए गए और स्पेशल पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा इन्हें जो है एक देखा गया, ऐसा पता लगाया गया कि इनके द्वारा, ये जो दो हाई कमीशन के असिस्टेंट्स हैं उनके द्वारा कुछ जासूसी गतिविधियाँ करते हुए उन्हें पाया गया, ठीक है। सो इसी के चलते उनके जो वीज़ाज़ है उन्हें एज ऑफ नाउ जो है ले लिया गया है, जब्त कर लिया गया है और उन्हें ये धमकी दी गई, इवन उन्हें ये इन्फॉर्म किया गया है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर देश को छोड़ के निकलना होगा, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड बोथ ऑफिशियल्स पर्सोना नॉन ग्रेटा फॉर इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज़ इन कम्पैटिबल विद देयर स्टेटस एज मेम्बर्स ऑफ डिप्लोमेटिक कमीशन। डिप्लोमेटिक कमीशन के मेम्बर होने के तौर पर जो चीज़ें उनके प्रोफाइल के साथ में मैच नहीं करती है, उन उस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण उन्हें सरकार ने ये कहा है कि आपको विद इन 24 आवर्स यू हैव टू लीव द कंट्री। ऐसा उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड दैट द ऑफिशियल्स वर कॉट रेड हैंडेड इंडल्जिंग इन एस्पिनॉज, जासूसी करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, ऐसा एक सीनियर कमीशन सीनियर जो ऑफिसर है उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज़। सिसोदिया रिव्यूज़ ऑनलाइन क्लासेस, मैं आपको बता देती हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने संडे को ऑनलाइन क्लासेस को रिव्यू किया एंड उसके अगेंस्ट उसके जो है बेसिस पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 9 लाख स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करते हुए उनके प्रोग्राम्स को जो है इवेल्युएट करते हुए कुछ 5 प्रोग्राम्स भी को भी इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एवरीडे साइंस, इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज की बात कही है। उसके अलावा 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन मैथ्स की क्लासेस की बात कही गई है, जबकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12th एंड SMS IVR एंटाइटल्ड एक्टिविटी क्लासेस इनेबल्ड एक्टिविटी क्लासेस फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 8th थ्रू पेरेंट्स। तो ये सारे जो है न्यू कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं मिस्टर सिसोदिया ने, बट स्टिल उन्होंने ये बताया कि करीब 9 लाख स्टूडेंट्स जो है, मैक्सिमम लेवल ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स के तहत, और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से अगर चलता रहा पेरेंट्स जो हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए और उनको सपोर्ट, उनके सपोर्ट के द्वारा अगर इसी तरीके से एजुकेशन चलती रही तो कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन उनको पॉजिटिव या प्राइमरी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको रिप्लेस करने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फूड वाटर एंड सप्लाइज एंड ऑटो ड्राइवर्स जर्नी टू हेल्प माइग्रेंट्स। एक ऑटो ड्राइवर की जर्नी की बात कही है इसके अंदर। बेसिकली हेयर द ट्रेन इज़ टू बी गोइंग ऑन एंड वहीं तभी वहाँ पर
बस स्टार्ट होने वाली है ट्रेन, और वहाँ पे एक पर्सन पहुँचता है फूड और इम्पॉर्टेंट जो है वाटर सप्लाईज के साथ, वाटर एंड फूड इन सभी के साथ में, और बेसिकली हेल्थ, मेडिकल हेल्थ केयर, प्राइमरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है वो। बेसिकली ही इज़ एन ऑटो ड्राइवर, और वो जो है आम जन की, जो माइग्रेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए डेली बेसिस पर, जो माइग्रेंट्स अपने घर को जा रहे हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए, उनके लिए जो बेसिक सर्विसेज है लाइक फूड, वाटर एंड हेल्थ केयर सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं। ही इज़ गुरप्रीत सिंह जी, एंड गुरप्रीत जी जो है वो इस अपनी टीम वर्क के बेसिस पे एक टीचर और एनजीओ वर्कर को और नेवी ट्रेनी, ये सब चीज़ें सम्मिलित है, ये सब लोग सम्मिलित हैं, और इन सब सा लोगों के साथ में मिलकर इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्प माइग्रेंट्स जो है उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाती है इस तरह की एक्टिविटीज़ से। और बेसिकली एक ऑटो ड्राइवर का ये इनिशिएटिव लेना और इस तरह से अपने लेवल पे बेस्ट जो है देना, दिस इज़ सच अ वेरी अप्रिशिएबल वर्क। ओके, इवन उनका ये भी कहना है कि उन्हें फ़ोन कॉल, SMS और व्हाट्सएप के थ्रू कई सारे मैसेजेस भी मिलते हैं, ट्वीट्स भी मिलते हैं, जिससे वो काफ़ी अप्रिशिएटेड फील करते हैं। इसी के चलते वो और ज़्यादा जो है हेल्पिंग वर्ब्स प्रोवाइड करवाते हैं, नाइट शेल्टर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, और पैसेंजर ट्रेन्स के अंदर जो है बेसिक फूड आइटम्स एंड नेसेसरी जो है, उन नेसेसिटीज़ जो हैं उन सबको, एसेंशियल सर्विसेज को श्रमिक एक्सप्रेस पैसेंजर्स के अंदर लोगों तक, माइग्रेंट्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक, हम कह सकते हैं जेनरोसिटी कह लीजिए, या फिर एक जो इंडिविजुअल का जुनून, या इंडिविजुअल का जो हम कहते हैं काइंडनेस जो है, गुड हार्टेडनेस उसे कह लीजिए। क्योंकि देखिए मनी तो हर किसी के पास होता है, फैसिलिटीज़ हर किसी के पास होती है, लेकिन वो उसे प्रॉपर्ली यूज़ करे ज़रूरी नहीं है। और जबकि एक ऑटो ड्राइवर जिसके पास में इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, उसका ये इनिशिएटिव लेना बहुत अप्रिशिएबल वर्क है, एंड डेफिनेटली वी ऑल शुड गो थ्रू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ से काफ़ी लोगों को पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिलता है, और कई सारे जो कंडीशंस से जो माइग्रेंट्स जिस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उन सब से ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 2 ASIs डाइज ऑफ COVID-19। मैं आपको बता देती हूँ, 2 दिल्ली पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की COVID-19 के चलते डेथ हो गई है, एंड कैजुअलिटी का जो फिगर है वो पुलिस जो है उसके अंदर थर्ड पोजिशन पे आती है, और मैक्सिमम लेवल ऑफ केसेस जो है वो थर्ड नंबर पे पुलिस को इफ़ेक्ट किए हैं COVID-19 से रिलेटेड। और ये भी फैक्ट है कि COVID-19 में अपना योगदान देने वाले सबसे जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं उनमें से एक पुलिस सर्विसेज है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पॉसिबल है उन्हें ये चीज़ इफ़ेक्ट करना, बट काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर गया, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और उसी के चलते 2 ASIs की डेथ भी हो चुकी है, सो वी ऑल शुड बी अवेयर। एंड क्योंकि पुलिस ऑफिशियल जो है ऑलरेडी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी वर्क कर रहे हैं वो इस फील्ड में, तो हमारी ज़रूरत है कि हम उनकी जो उनकी हेल्थ है या उनके लिए वर्क करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, द नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है एडिटोरियल एनालिसिस। देखिए एडिटोरियल एनालिसिस लेने का रीज़न ये है कि इसके अलावा बाकी सारी जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बन जाती आपके एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम सिर्फ वही न्यूज़ लें जो कि हम लोग इजीली डिस्कस कर सकें, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में वो चीज़ काम आ सके। ठीक है, सो एडिटोरियल एनालिसिस लेंगे हम। इसके तहत द फर्स्ट आर्टिकल इज़ ओपन विथ कॉशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि COVID-19 का जो लॉकडाउन फेज़ है वो ओवर हो चुका है, और अब हम अनलॉक 1 में एंटर कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एसेंशियल सर्विसेज भी स्टार्ट करेंगे, और तो हमारी ज़रूरत है कि हम पूरी जागरूकता के साथ में, देखिए डेफिनेटली अनलॉक स्टार्ट हो गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन COVID-19 खत्म नहीं हुआ है, ये वायरस खत्म नहीं हुआ है, और ना ही इसके लिए हमें प्रॉपर वैक्सीन अभी तक जो है निकाली गई है, मिली है। इसलिए हमारी ज़रूरत है कि हम
पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ें और अनलॉक जो है 1 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। ये एक पूरी तरीके से यूनिवर्सली जो है प्रूव्ड ट्रुथ है कि ये जो सिवियर रिस्ट्रिक्शंस हैं COVID-19 से रिलेटेड, ये उन लोगों को जो वीकर सेक्शंस है उन्हें इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। ये जो गाइडलाइंस है COVID-19 से, देखिए जो बहुत रिच पीपल्स हैं या जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इन नॉर्म्स को फॉलो करना। बट मैक्सिमम लेवल तक, अब तक जहाँ इफ़ेक्ट जिस लेवल जिस जो है जो बंच ऑफ पीपल पर देखने को मिला है या जिन लोगों पर ये मैक्सिमम इफेक्ट COVID-19 का देखने को मिला है, वो है माइग्रेंट्स या वीकर सेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। और आने वाले दौर में भी जब लॉकडाउन का फेज़ जो है क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी मैक्सिमम इफेक्ट जो है वीकर सेक्शन पर देखने को मिलेगा, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हुई है ना। लेकिन सरकार जो है, द सेंटर्स मूव फॉर अ फेज्ड अनलॉकिंग फॉर ऑफ पब्लिक एक्टिविटी आफ्टर द रिगोरियस लॉकडाउन सिंस March 25th सेट्स द स्टेज ऑफ पीपल टू रिज्यूम देयर जॉब्स एंड अंडरटेक सम ट्रैवल। कुछ एरियाज में, कुछ जगहों पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी जॉब्स को रिज्यूम कर सकते हैं। और इस फेज़ जो है इसको स्टार्ट किया गया है आफ्टर रिगोरियस लॉकडाउन। वी कैन से द लॉकडाउन वाज इनिशिएटेड बाय और स्टार्टेड बाय 25th March। तो तब से लेके अब तक 4 फेसेस ऑफ लॉकडाउन क्रॉस करने के बाद में अब हमने नए फेज़ में एंटर किया, दैट इज़ अनलॉक 1। एंड हमारी ये ज़रूरत है कि हम एक्टिविटीज़ को रीस्टार्ट करें, लेकिन बिल्कुल ध्यान से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज। हर दिन जो सर्विसेज यूज़ ले रहे हैं हम लोग, उसके अलावा जो गुड्स की डिलीवरी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है जो कि इन्फेक्शन कैरी करेगा, है ना, इंक्लूडिंग हेल्थ सर्विसेज अनरिलेटेड टू COVID-19 इन्फेक्शन। इसके तहत हमें हेल्थ सर्विसेज को भी ध्यान में रखते हुए जो है, या हम कह सकते हैं हेल्थ सर्विसेज जो है उन्हें भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। लेटेस्ट डेटा सिंस द वायरस सरफेस इन द कंट्री शो दैट 13 सिटीज, और ये रिसेंट जो डेटा अभी आया था सामने, उसके चलते हमने देखा था कि करीब 13 सिटीज ऐसी हैं जो जिसके अंदर बिगेस्ट मेट्रोज जहाँ पे चलते हैं या बिगेस्ट मेट्रो सिटीज़ हैं, वो 13 सिटीज़ जो है अभी भी 70% ऑफ केसेस को होस्ट कर रही है, और जितना जल्दी हो सकता है उनको रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। उन कंटिन्यूज में नॉर्मलसी लाने से पहले ये ज़रूरत है कि उन वहाँ पर केसेस को मिनिमाइज़ किया जाए और बड़ी गैदरिंग्स को वहाँ पे जो है स्टॉप किया जाए, रिलीजियस प्लेसेस को और ऐसी कोई जगह जो कि किसी भी तरीके से जो है लास्ट हमने जो हिस्ट्री रही है जिनकी कि भाई हाँ इस वजह से केसेस बढ़े हैं, तो ऐसी सारी वजहों को दूर करते हुए, स्टॉप करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। बट स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस इन actively testing and quarantining individuals in cities with high incidence to significantly control the spread. ये स्टेट्स का काम है, ये वहाँ की अथॉरिटीज़ का काम है कि टेस्टिंग को कंटिन्यू करते हुए, एक्टिवली टेस्टिंग को कंटिन्यू करते हुए, क्वारंटाइनिंग जो क्वारंटाइन करने की इंडिविजुअल्स की जो फैसिलिटीज़ है उनको कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ में और इसकी स्प्रेड को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े। हाफ हार्टेड अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स मैंडेटेड बाई द नेशनल डायरेक्टिवस फॉर COVID-19 मैनेजमेंट सच एज दोज ऑन फेस कवर, और हमें जो स्टार्ट करना है, जो वापस जो नॉर्मलसी लानी है, उसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो करना होगा, जैसे फेस कवर करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस, शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स, इसके अलावा स्पिटिंग या गैदरिंग जहाँ पे ज़्यादा नंबर पे, लार्ज नंबर पे जहाँ गैदरिंग हो रही है, तो ये सारी सिचुएशंस जो है ये क्राइसिस को और भी बुरी कंडीशन में हमें लाकर खड़ा कर सकते हैं, और ये जो कंडीशन है ये और भी बुरी हो सकती है, ठीक है। और स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो अगर उन्हें रेगुलेट किया जाता है तो वो मैक्सिमम लेवल पे जो है केसेस को बढ़ाने का कार्य करेंगे। सिटीजन्स हु हैव एक्सेप्टेड
सिवियर कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन कैन बी परस्यूडेड टू अडॉप्ट अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड यूजिंग मेजर्स दैट आर सिविल येट फॉर्म। मैं आपको बता देती हूँ जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौर में जो ध्यान दिया है हेल्थ सर्विसेज को, लॉकडाउन को पूरी जो है बहुत अच्छे से पालन करते हुए आगे बढ़े हैं, उनके लिए ज़रूरत है कि वो आगे आने वाले टाइम में भी जब केसेस मैक्सिमम लेवल पे बढ़ रहे हैं तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के साथ में आगे बढ़े। इवन विद द ईजिंग ऑफ लॉकडाउन द सिवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय लॉस ऑफ जॉब्स रिक्वायर्स गवर्नमेंट्स ऑफ डेमोंस्ट्रेट एज मच कमिटमेंट टू मिटिगेटिंग misery as to containing infections. Okay, a genuinely universal PDS with adequate supplies of food grains, ensuring that no one is left behind, must be provided in all states. देखिए जो लोग जॉब लॉस कर चुके हैं अपनी, उन सभी को अभी एट प्रेजेंट जो है जॉब्स की ज़रूरत है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। तो सरकार की ज़रूरत है कि वो इस जो लॉकडाउन के दौर में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड पीपल देखे गए हैं, इकोनॉमिकली इफ़ेक्टेड पीपल देखे गए हैं, उन सबको जो है उन सब के लिए जो इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़े सरकार, ठीक है। इसके अलावा जो PDS सिस्टम है जो फूड ग्रेन सप्लाई करने का कार्य करता है, उसके तहत भी जिन लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हुई है या जिन्हें ज़रूरत है उन तक ये प्रोवाइड करवाने का कार्य भी किया जाना चाहिए। और कैश सप्लीमेंट शुड रीच ऑल इंटेंडेड टू बी बेनिफिशरीज एंड दिस नीड टू बी अंडरस्कोर्ड एज सर्वेज ऑफ वर्कर्स हु लॉस जॉब्स आफ्टर पेंडेमिक इंडिकेट राइजिंग हंगर लेवल्स एंड मिसिंग फिनेंशियल सपोर्ट। जिन लोगों ने अपनी जॉब खो दी है पेंडेमिक के चलते, सबसे ज़्यादा जो हंगर लेवल है वो उनमें दिखाई दिया है, इसके अलावा फिनेंशियल सपोर्ट भी मिसिंग था। तो इन सारे लोगों को जो है स्पेशली कुछ सेक्शन जैसे दलित्स ले लीजिए, वुमेन ले लीजिए या लो स्किल्ड वर्कर्स ले लीजिए, इन सब की कंडीशन तो और भी बुरी हुई है। फॉर द एल्डरली वल्नरेबल इंडिविजुअल्स एंड चिल्ड्रंस बिलो 10 द सेंटर्स एडवाइस इज टू शेल्टर इन प्लेस इवन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज। इस रिलैक्सेशन फेज के अंदर तहत जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ जो सरकार की ज़रूरत है कि वो शेल्टर्स प्रोवाइड करवाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्टर्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाए, ऐसी एडवाइस जो है सरकार की होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो 10 साल से कम के बच्चे या वुमेन, दलित्स या लो स्किल्ड वर्कर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, उनके लिए मेडिकली साउंड जो है एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बट cannot be done over a long period in big cities as they cannot access goods and services at their doorsteps simply because they are classified as non-essential. The course of COVID-19 in the weeks ahead is by no means predictable and the center recognizes the possibility of new rural clusters emerging due to large scale return of migrants. लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेंट्स, मैक्सिमम लेवल पे माइग्रेंट्स जो है उनका अपने घर पे आना रूरल एरियाज़ के अंदर जो है मुसीबत पैदा करता है। इसके अलावा COVID-19 के चलते पिछले कुछ हफ्तों में मैक्सिमम लेवल पे जो है लोगों को बेरोज़गार होते हुए देखा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद होने के कारण जॉबलेस होते हुए, हंगर को फेस करते हुए देखा गया है। तो ये हमारी ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत है, सरकार की ये होना चाहिए, सरकार के प्रति ये जो भाव है सरकार के तहत उन माइग्रेंट्स के प्रति ये होने चाहिए कि उन्हें फूड, शेल्टर और एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए तब तक जब तक कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगेन अपने ट्रैक पर ना आ जाए, ठीक है। सो द अनलॉक वन मस्ट prioritize some actions. Unlock 1 जो है कुछ actions को prioritize करता है, जैसे create public health awareness, आपको Unlock 1 के साथ में कुछ important measures को follow करना होगा, जो prioritize करना होगा जिन चीज़ों को, उसमें पहला तो है कि आपको public awareness जो है वायरस से रिलेटेड, वायरस के होने के कारण जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, उसके अलावा टेस्टिंग को रैंप अप करना होगा, अदर देन दिस हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होगी और रिलीफ मेजर्स को मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ना होगा,
ठीक है। तो ये जो आर्टिकल था ये पूरी तरीके से बेस्ड है कि हमें आने वाले टाइम में जब हम अनलॉक वन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो किन चीज़ों को, किन मेजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। ओपन करना तो ज़रूरी है एंड इट इज़ अ गुड एक्शन एट ऑल, बट वी हैव टू गो थ्रू ओपनिंग विथ प्रॉपर कॉशंस। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द वेनिंग ऑफ सबल्टर्न सॉलिडेरिटी फॉर हिंदुत्व। द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस ऑफर्स फर्टाइल ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, बट द विल टू एग्जीक्यूट इट इज मिसिंग एज द प्लाइट एंड प्रिकैरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टेस्ट सेंट्रसीज। अ पर्टिनेंट क्वेश्चन इज अबाउट इट्स पॉलिटिकल बियरिंग। द फैक्ट दैट एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रीकैरियट्स आर सबल्टर्न्स और दलित भुजन्स हु सिंस 2014 शिफ्टेड टू दी भारतीय जनता पार्टी एंड हिंदुत्व इन अ बिग वे मेरिट्स द क्वेश्चन वेदर दे वुड रीथिंक देयर सेफ्रॉन लिंक एंड रिटर्न टू द फोल्ड ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज। अंडरस्टैंडिंग दिस पजल रिक्वायर अ ब्रीफ एंगेजमेंट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबलिटी एंड विद द स्ट्रक्चर ऑफ सबल्टर्निटी एंड इट्स डायनामिक इंटरप्ले विद द हिंदुत्व एंड मुस्लिम क्वेश्चन इन इंडिया। ओके, देखिए हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है, हिंदुत्व का जो मैटर है, वो एक अपने आप में काफ़ी जो कहते हैं हमेशा से टॉप में रहा मैटर है। हिंदू मुस्लिम रिलीजनिज्म जो है, रिलीजन बेसिस पर भी अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है। तो माइग्रेंट लेबर के क्राइसिस जो है उसके कारण काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिले, काफ़ी हिंदू और मुस्लिम्स के मैटर्स भी सामने देखने को आए। इसके अलावा तबलीगी जमात के चलते जो है हिंदू मुस्लिम को इफ़ेक्ट किया। तो देखिए COVID-19 ने बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनको टच करते हुए आगे बढ़े। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको रिमूव भी किया है, लेकिन पॉलिटिकली हमारी ज़रूरत है कि हम उन सारे पॉइंट्स को निग्लेक्ट करें जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। हमारी ज़रूरत है कि हम उन सारे पॉइंट्स को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ें उन पॉइंट्स के साथ में, उन इश्यूज़ के साथ में जो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, है ना, हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, और पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाले उन पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए हम उन सारे पॉइंट्स को लीव आउट कर दें जो हमारे लाइफ में जो है इश्यूज़ या बैरियर्स बनकर आगे आते हैं, ठीक है। और उनमें से एक है हिंदू मुस्लिम का जो ये इशू है, रिलीजियस इशू जो है वो हमारा जो एक सबसे बड़ा इशू रिलीजन का है। सो बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन इट। इसके अलावा पूरा जो है इससे रिलेटेड, हिंदुत्व से रिलेटेड या पॉलिटिकल जो है चेंजेस जो इस मामले में देखे गए हैं और हिंदू मुस्लिम के चलते, देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। पेंडेमिक ले लीजिए, पेंडेमिक से पहले भी बहुत सारी चीज़ें एक लंबे समय के दौरान, कार्यकाल के दौरान चेंज हुई है आज़ादी के बाद। लेकिन एक चीज़ जो आज तक नहीं बदल पाई है किसी चीज़ को, वो है पॉलिटिक्स में भी हिंदुत्व, हिंदू या मुस्लिम एक्टिविटीज़ का होना, है ना। जैसे कि बीजेपी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हिंदू पार्टी एंड ऑल, जबकि कांग्रेस जो है वो एक मुस्लिम सपोर्टिंग पार्टी कहलाती है, जबकि बीजेपी हिंदू सपोर्टिंग पार्टी। तो ऐसा होता नहीं है, पॉलिटिकली इस तरह की मेंटेलिटी नहीं कैरी करनी चाहिए और होती भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स आर डूइंग देयर वर्क। वो सब अपने अपनी पोस्ट पर, अपनी अपनी एक पर्टिकुलर इंटीग्रिटी के साथ में, अपनी पर्टिकुलर डिग्निटी के साथ में वर्क कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दैट दे आर थिंकिंग टू मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड वी शुड ऑल्सो डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड इफ़ दीज पर्टिकुलर इशूज़ आर क्रिएटिंग पैनिक्स और दीज पर्टिकुलर इशूज़ आर क्रिएटिंग यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और समवेयर एल्स, देन वी नीड टू वर्क ऑन इट। वी हैव टू चेंज दिस सिनेरियो। ओके, एंड इसके अलावा आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इस पर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पर जो रिलीजियस इम्पैक्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा, ठीक है। द डिमिनिंग ऑफ डिमिंग ऑफ चाइनीज स्ट्रॉन्ग मैन ऑरा, चाइना के स्ट्रॉन्ग मैन का जो एक ऑरा है वो कहीं ना कहीं डिम हो रहा है,
और उसकी लीडरशिप के चलते उसे काफ़ी सारे जो चैलेंजेस है उसे फेस करते हुए आगे बढ़ना हो रहा है, तो उसी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो गए हैं अब आज की डेट में। देखिए, चाइना पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स है और चाइना के लीडर पे डेफिनेटली, क्योंकि वो इन सब के प्रति उत्तरदायी है, तो उसके प्रति तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स खड़े होते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ जो स्ट्रॉन्ग मैन का जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं डिम हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग और चाइना की जो कंडीशन है उस पर बेस्ड है, सो यू शुड गो फॉर इट। द नेक्स्ट इज़ लैंड ऑफ दी अनफ्री, ओके इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सो लीव दिस, ठीक है। हमने ये देखिए, फैंटम कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैंने आपको बताया था LAC से रिलेटेड इशू इंडिया चाइना के बीच ऑलरेडी चल रहा है ना। ये उसी पर बेस्ड आर्टिकल है, एडवांटेजेस और LAC जो है उसके बेसिस पर सुपरस्टिशियस एडवांटेजेस की बात कही गई है। एंड लेट्स सी क्या जो LAC जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो बिकॉज द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन काफ़ी इश्यूज ऑलरेडी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बने रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी इतने दिन से डिस्कस किया ही है उन सारे इश्यूज को लेकर, इट इज़ ऑल अबाउट दैट LAC इशू, ओके। एंड उसके अलावा देखिए, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल दी न्यूज़ आर हेयर कंप्लीटेड, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर कर ली है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ फिर भी अगर बन जाते हैं, न्यूज़ बन जाती है, सो यू शुड गो फॉर इट, ओके। और आप मुझे कोई उसके बाद भी आपको कोई इशू क्रिएट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।